हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान पेट्रोल के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 4 जुलाई 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम में यहाँ पे आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 5.18% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 228.45 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारे एक ओपिनियन भी देंगे। चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस की तो वो जो हम यहाँ पे वन आर के चार्ट में बात करें करेंटली वॉल्यूम अगर मैं कहूँ तो एवरेज सा वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे मीडियम साइज की बनी है और दोनों के साइड में हमें छोटी छोटी जो विक भी देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, आरएसआई 4950 मतलब एकदम ही न्यूट्रल हमारा आरएसआई जो हो चुका है जो हमें यहाँ पे दोनों साइड का जो इशारा दे रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कई बार कहता हूँ चाहे आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में अभी भी मेरा ओपिनियन जो स्टॉक में जरूर नेगेटिव का है। चांसेस है कि यहाँ पे सबसे पहले स्टॉक में जो है हमें 218 के आसपास जो गिरते हुए देखने मिले, जैसे उसको यहाँ पे स्टॉक क्रॉस करते हुए जाए तो 213 इवन यहाँ पे जो है 207 208 तक भी जो गिरते हुए देखने मिल सकता है। यहाँ पे अपसाइड मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे अगर आपको अपसाइड स्टॉक जाते हुए देखने मिले तो उस अपसाइड के लिए जो है बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, मतलब लॉन्ग के लिए आप इंट्राडे वाइज या फिर पोजीशन वाइज फिलहाल जो बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव है, नेगेटिव ट्रेंड में हमेशा हमें जो है स्टॉक में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। यहाँ पे ONGC में हमने रिसेंटली जो बहुत सारे वीडियोज लाए थे, यहाँ पे लगातार 2-3 दिन तक हम वीडियो लाए थे जहाँ पे स्टॉक जो अपसाइड मूवमेंट दे रहा था लेकिन हमारा ओपिनियन फिर भी नेगेटिव का ही था। और यहाँ पे जो है स्टॉक में आप देख सकते हैं फ्राइडे के कितना डाउनसाइड है, हमने ONGC का भी एक वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उसको भी देख लें हमारे चैनल पे जाके। बाकी यहाँ पे मेरा ओपिनियन स्टॉक में नेगेटिव का जिस तरह से मैंने कहा, बाकी अपसाइड के लिए फिलहाल यहाँ पे जो है थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट दे सकते हैं क्योंकि 20 में के ऊपर क्रॉस हो तो थोड़ा एक पुश अपसाइड का आ सकता है, फिर वहां से हमें डाउनसाइड देखने मिल जाएगा। लेकिन इंट्राडे वाइज यहाँ पे पोजिशनल वाइज भी कहूँ दोनों वाइज यहाँ पे हमें जो है शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बढ़िया देखने मिलेगी। तो आप भी जो जरूर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी स्टॉक में ढूंढे। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में मंडे के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो मार्क्ड है, ऐसे हमें यहाँ पे कोई मार्किंग जो करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे सारा का सारा जो है मार्किंग यहाँ पे है। तो यहाँ पे सीधा हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिडिल में लाके दोनों साइड का हमें डेटा क्लियरली देखने मिले कुछ ऐसा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग 228.45 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आता है 227.20 का, डायरेक्ट रेशन यहाँ पे बनता है 228.70 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेशन का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो मंडे के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट
और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है, तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में मंडे के लिए, तो मंडे का मेरा ओपिनियन यहाँ पे कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आया था 225.50 का, उसके बाद क्या था 224.10 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 230.15 का, उसके बाद क्या था 232.55 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हुए जो अपना यहाँ पे मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर एक यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग का है, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट रेजिस्टेंस के पास में क्लोज है तो हमें प्री ओपन मार्केट में स्टॉक सबसे पहले किस तरह से परफॉर्म करने वाला है वो हमें देखना, चांसेस है गैप अप ओपनिंग हमें देखने मिले तो यहाँ पे 1 से 2 घंटे के रेंज में जो हमें फिर स्टॉक जो गिरते हुए देखने मिलेगा, तो वहां पे अगर आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बढ़िया देखने मिले 5 या 10 मिनट 5 या 15 मिनट के चार्ट में हमें जो है कहीं अच्छे रेजिस्टेंस के यहाँ पे जो हमें जो है रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखने मिले स्टॉक, तो वहां पे आप जरूर जो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं कंफर्मेशन कैंडल को देखते हो, फिर वहां से डाउनसाइड का जो है आप यहाँ पे अपना टारगेट जो है वो लगा सकते हैं। करंटली मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर यहाँ पे 225.50 से लेकर 227.20 के रेंज में क्लोजिंग का है मंडे के लिए। बाकी गैप अप ओपनिंग अगर यहाँ पे अपसाइड में हुई तो इस रेंज में भी हमें क्लोजिंग देखने मिल सके, लेकिन ओवरऑल मेरा ओपिनियन थोड़ा सा यहाँ पे जो है ज्यादातर एक नेगेटिव क्लोजिंग में ही है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।